नमस्कार। सुबह से आप गोदी मीडिया देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि एनडीए पूरा एक हो चुका है, पूरी ताकत से फिर से 2024 में मोदी जी क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं और विपक्ष बिखरा हुआ है। दरअसल इसी काम पे लगाया गया है गोदी मीडिया को। मैं आपको एक एक फिर जब भी मैं वीडियो लेके आता हूं आपको तथ्य देता हूं, सबूत देता हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एनडीए की क्या कंडीशन है। विपक्ष की कंडीशन तो सब दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी के साथ डिनर नहीं करेंगी, वो तो बंगाल में भी खाना खाना छोड़ दी हैं। शरद पवार कुछ और कर रहे हैं, बेंगलुरु भी आने वाले नहीं हैं। ये सब सुबह से आपने देखा होगा। गोदी मीडिया इसी एजेंडे पर पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है। लेकिन जो एनडीए बनने के लिए उतावला है, अभी बना नहीं है, पूरी तरीके से विस्तार होना है, उसका बृहदीकरण किया जाना है, उस एनडीए की क्या हकीकत है, उसकी क्या ताकत है, ये कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन सुनिए, मैं आपको बताता हूं एक एक नाम, एक एक पार्टी और उसकी हकीकत क्या है। सबसे पहले हम बात करें शिंदे साहब की, एकनाथ शिंदे, एनडीए के एक साझेदार, शिवसेना तोड़ के आए, असली शिवसेना ले उड़े। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हुआ बीजेपी को सब पता है, लेकिन वो सारी सच्चाई आप तक नहीं चाहते हैं वो कि पहुंच पाए। यही तो काम सौंपा गया है किसे, गोदी मीडिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राजनीति का केंद्र है महाराष्ट्र में एपीसी मंडी का चुनाव। एपीसी मंडी का जो चुनाव होता है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राजनीति का केंद्र माना जाता है। उसका चुनाव हुआ कब, शिंदे और भाजपा जब साथ में आ गए तब। और उस चुनाव के बाद जो नतीजे आए वो नतीजे थे महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को मिले 81 सीटें और भाजपा और शिंदे साहब को मिली कुल 42 सीट, 42 सीट, दो गुने का अंतर था। इसने बता दिया कि महाराष्ट्र के गांव का, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों का क्या मूड है और क्या मिजाज है। यहीं से ऑपरेशन अजीत पवार शुरू हुआ था, क्योंकि भाजपा को यह पता चल गया था कि शिंदे के आने से सरकार तो बन गई महाराष्ट्र में, लेकिन 24 का रास्ता मुश्किल है, शिंदे किसी काम के नहीं हैं। अब शिंदे सिर्फ एक ही काम के थे कि ईडी के रडार पर जो विधायक हैं उनको इकट्ठा करें और ले आए भाजपा के पास। लेकिन वोट बैंक उद्धव ठाकरे के पास रहा, सिर्फ विधायक आए, वोट बैंक उद्धव के पास रहा। यह पहले साझेदार की हकीकत है शिंदे, एकनाथ शिंदे। दूसरा नाम अजित पवार। अजित पवार और उनके साथ जितने लोग हैं, छगन भुजबल से लेकर के शपथ लेने वाले, आपने तमाम प्लेटफॉर्म पे सुना होगा कि वो आए क्यों, ईडी के कौन कौन से मामले थे, कितने करोड़ के मामले थे, कौन सा वारंट था, सब आपको हकीकत पता है। लेकिन अजित पवार आने के बाद, डिप्टी सीएम बनने के बाद, अपने मनमाने मनचाहे विभाग पाने के बाद भी बेचैन है। क्यों बेचैन है, क्योंकि अजित पवार को भी पता है, यही नहीं भाजपा को भी पता है कि वोट बैंक तो शरद पवार के पास है, अजित पवार सिर्फ विधायक लाए हैं, ईडी से डरे हुए विधायक लाए हैं, और 24 तो वोट बैंक से जीता जाएगा, विधायक तो जिताएंगे नहीं, 24 में विधायक तो सरकार बनाएंगे नहीं मोदी जी की। फिर तो ये अजीत पवार, और अजीत पवार की बेचैनी देखिए कि चाची की सेहत पूछने के बहाने अजीत पवार जाते हैं, शरद पवार के साथ बैठते हैं, पांव छूते हैं, साहब का आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन शरद पवार एक मजे हुए राजनेता की तरह खामोश चुपचाप सारा देखते समझते हैं। उनको पता है कि ये बाहर जाके मैसेज देने की कोशिश होगी
कि साहेब का यानी शरद पवार का आशीर्वाद मुझे मिल गया है कि कुछ वोट तो आ जाए साथ में। यही बेचैनी और बौखलाहट है कि महाराष्ट्र की तस्वीर साफ हो गई, न शिंदे के पास वोट बैंक आया, ना अजीत पवार के पास वोट बैंक, शरद पवार उद्धव ठाकरे के पास। आगे बढ़ते हैं, बिहार की तरफ चलते हैं, दूसरा राज्य जहां पर ऑपरेशन हो ना हो लेकिन ऑपरेशन की चर्चा हमेशा रहती है। चिराग पासवान सबसे महत्वपूर्ण बन गए हैं, भाजपा के बड़े नेता चिराग पासवान की दहलीज पर हफ्ते भर में कई बार माथा टेक आए कि दिल्ली आना है, और चिराग पासवान ने शर्त रख दी कि 6 सीट से कम पर नहीं, मैं दिल्ली आऊंगा नहीं, पहले ये कमिटमेंट करिए 6 सीट मुझे चाहिए। और 6 सीट में हाजीपुर की सीट, जो रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट थी हाजीपुर, हाजीपुर से पशुपति पारस, रामविलास पासवान के अनुज छोटे भाई, वो सांसद हैं। पशुपति पारस डंके की चोट पे ताल ठोक रहे हैं कि हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा, और चिराग पासवान को अकेला एकांतवास में छोड़ने वाले भाजपाई अब दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं चिराग पासवान के। लेकिन चिराग पासवान तो गले की हड्डी बन गए, कह रहे हैं 6 सीट पहले कमिटमेंट करो तब दिल्ली का टिकट कटाएं हम और आए NDA की मीटिंग में, और हाजीपुर से तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। अब पशुपति पारस का क्या होगा, असली वाली लोजपा LJP जिसके पास है, LJP जब टूटी तो पशुपति पारस को मोदी जी ने मंत्री बनाया, 5 सांसद पारस समेत इकट्ठा हो गए और एकांतवास में चिराग पासवान। लेकिन चुनाव आया, वो तो खेला था तोड़फोड़ वाला, चुनाव आया तो BJP को पता था और भी पता चल गया कि पशुपति पारस के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ 5 नंबर ऑफ हेड्स बोलते हैं ना, सिर्फ शरीर, 5 शरीर हैं, वोट बैंक तो जो भी है कम ज़्यादा वो चिराग पासवान के पास है। अब 5 सांसद ये क्या करेंगे, ये भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, नहीं टिकट दोगे 6 सीट चिराग को मिलेगा तो ये चुनाव गड़बड़ करेंगे, खेल बिगाड़ेंगे, नहीं खेलने को पाएंगे तो खेल ही बिगाड़ेंगे, स्टंप उखाड़ के लेके भाग जाएंगे। अगला साझेदार, चौथा नंबर, उपेंद्र कुशवाहा, इधर उधर कई बार हो चुका मामला, क्रेडिबिलिटी खत्म है, उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता वैसे ही खत्म हो गया जब उसी समाज से सम्राट चौधरी को इंपोर्ट कर लिया BJP ने और प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, अब तो लोग उनमें CM फेस भी देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट इनको दे दिया जाए, जीत लें वही पर्याप्त है। जीतन राम मांझी, मैं आज ही बिहार के एक जमीनी पत्रकार से बात कर रहा था, उसने बताया कि जीतन राम मांझी मांझियों के ऐसे नेता हैं जो बिहार में भी उनके सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए हैं। मांझी साहब, कुल मिलाकर के जीतन राम मांझी का एक एजेंडा है कि उनका राजनीतिक करियर हो गया पूरा, किसी तरह बेटे को इस्टेब्लिश कर दें और गया की सीट किसी तरह मिल जाए, बेटा संसद में पहुंच जाए, यही एजेंडा है। ये एक साझेदार हो गए, गिनते जाइएगा कितने हो गए, 5। छठा, अपना दल सोनेलाल पटेल की अनुप्रिया पटेल है वोट बैंक। पटेल मतदाताओं का सोनेलाल पटेल की जो लोकप्रियता थी कुर्मी मतदाताओं में उसका लाभ है, लेकिन सामने कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल हैं जो विपक्ष के साथ हैं। और अगर नहीं आपको पता है तो मैं याद दिला दूं, ये वही कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल हैं, कृष्णा पटेल सोनेलाल पटेल की पत्नी है, अनुप्रिया पटेल की माँ हैं, और पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन हैं, और वो दोनों अखिलेश यादव के साथ हैं, और पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश के अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में जो वर्तमान डिप्टी CM हैं, भाजपा के पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरा हैं, सबसे बड़े फेस हैं, उनको विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हराया पल्लवी पटेल ने। और कहां पर, वहां पर हराया जिसे अनुप्रिया पटेल और अपना दल, अनुप्रिया वाले अपना दल का गढ़ जो माना जाता है,
वहीं पे हराया। तो इनकी ताकत भी आधा गई, आधा रही नहीं, आधा गई। संजय निषाद गोरखपुर, जहां के नेता योगी आदित्यनाथ हैं वहीं के नेता संजय निषाद हैं। अब चलते हैं ओम प्रकाश राजभर पे, सबसे क्रेडिबल विश्वसनीय नेता ओम प्रकाश राजभर। चार दिन पहले तक कह रहे थे कि विपक्ष से न्योता आए हम भी चलेंगे, दिल्ली में सरकार नहीं बनने देंगे। आ गए हैं, सारी शर्तों पे, सारी टर्म कंडीशन भाजपा ने मान ली है। 3 सीट यूपी में भी मांग लिया, इन्होंने बिहार में भी 1 सीट मांग लिया है, राज्यसभा भी मांग लिया है, कैबिनेट मंत्री भी मांग लिया है। योगी जी इनको बधाई भी नहीं दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आ गए हैं। और राजभर आज भी हमको, मुझे तो लगता है कि जितने ये, अब मैंने पूरे एनडीए के पार्टनर्स बताऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें अगर सबसे ज्यादा वोट किसी के पास है तो राजभर के पास है। अभी आगे भी जो लिस्ट गिनाऊंगा उसमें भी बता दूं आपको। लेकिन राजभर की क्रेडिबिलिटी चुनाव आते आते, अगर उन्हें लगा कि विपक्ष पूरा एक हो रहा है, कांग्रेस सपा बसपा कहीं से कोई ऐसा समीकरण बदल रहा है, तो उन्हें जरा भी संकोच नहीं है। मिनटों में वो काला चिट्ठा भी खोलेंगे जाते जाते भाजपा का, कि कैसे डील हुई थी वो भी बताएंगे। राजभर के बारे में ये विख्यात है कि जाते जाते सब बता देते हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे बुलाया था और कैसे बिठाया था, कैसे मनाया था। ये राजभर हो गए, समझिए ताकत और एकजुटता एनडीए की। अब मेघालय है जहाँ पर कुल मिला के 2 सीट है, कुल मिला टोटल 2 सीट है। वहाँ पे एनपीपी के हैं संगमा साहब, पीए संगमा बड़े नेता थे देश के, उनके पुत्र हैं। एनडीए में हैं लेकिन यूसीसी के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं, यूसीसी इन्हें मंजूर नहीं है। यूसीसी वैसे भी आदिवासियों ने यूसीसी का खुल करके विरोध किया है। तो यूसीसी या एनडीए, पहले ये चुन ले मोदी जी। कंट्राडिक्शन देखिए, कितने विरोधाभास हैं लेकिन इस विरोधाभास की चर्चा गोदी मीडिया कहीं नहीं करने वाली है। ये एनडीए में है, यूसीसी के सख्त मुखालफत कर रहे हैं। अगला एनडीपीबी नागालैंड में, नागालैंड में कुल 1 सीट है, टोटल 1 ही सीट जिसे मन करे ले जाए, लेकिन एनडीपीपी ने भी यूसीसी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। एनडीए की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाने आ रहे हैं, ये संगमा साहब की एनपीपी, एनडीपीपी नागालैंड, ये सब ये मुद्दा लेके आ रहे हैं कि यूसीसी पे क्या करोगे, बैकफुट पे जाओगे, आगे बढ़ोगे, तो हम बताएं कि हम आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे। इसके अलावा मिजो नेशनल फ्रंट, मिजोरम में 1 ही सीट है, यहाँ भी कुल मिला के 1 सीट, 3 पार्टनर हो गए और 3 ही 4 सीट है टोटल यहाँ पे, ये भी लेके आ रहे हैं झंडा यूसीसी वाला, लाल झंडा यूसीसी के लिए कि बताओ क्या करोगे। इसके बाद सिक्किम है, एमकेएस 1 सीट टोटल। असम गण परिषद है, असम में असम गण परिषद बीजेपी के साथ मिलकर असम में मजबूत परफॉर्मेंस कर सकता है, एक पार्टनर, ठीक, एक पार्टनर जो है काफी समय से जुड़ा है और है, इसका एक कार्डर है, एक बेस है। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण अभिनेता, प्रसिद्ध अभिनेता हैं, एक्टर हैं, जनसेना बनाई है, ये भी आ रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश में ये आ रहे हैं लेकिन कोई नहीं आ रहा है। इनका प्रभाव राजनीति का भी ये है कि विधानसभा में खाता खुला है बड़ी मुश्किल से, जनसेना पवन कल्याण का खाता खुला है। टीडीपी लगातार बैठकें हुई, टीडीपी शामिल होने के लिए आगे बढ़ रही थी एनडीए में, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इस समय बीजेपी राहुल गांधी के हमलों से और लगातार एग्रेसिव तरीके से जैसे वो जनता के बीच में है उससे हतोत्साहित सी नजर आ रही है, कंफ्यूज हो गई है। वो कंफ्यूजन आंध्रा में नजर आ रहा है, वहां पर वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच में खुद ही भाजपा कंफ्यूज है, तो पूरा आंध्र प्रदेश कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन की वजह जानना चाहते हैं तो बता देता हूं, टीडीपी
और वाईएसआर कांग्रेस, 36 का आंकड़ा दोनों में है। और इस समय बीजेपी जो वाईएसआर कांग्रेस को करप्ट कहती थी, तुष्टीकरण करने वाला कहती थी, इस समय वाईएसआर कांग्रेस में के बारे में कुछ भी बोलने से बच रही है। ये टीडीपी को हजम नहीं हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू को। ऊपर से चंद्रबाबू नायडू की साली यानी एन टी रामाराव की बेटी, जिनके दामाद हैं चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों में भी 36 का आंकड़ा है, जीजा और साली में। डी पुरंदेश्वरी जो कांग्रेस के कांग्रेस में थी और यूपीए सरकार में मंत्री भी रही, अब भाजपा में है और भाजपा ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, यानी जिसको एनडीए में लाना चाह रहे हैं उसकी नापसंद के शख्स को वहां पे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब चंद्रबाबू नायडू कोई फैसला लेने से बच रहे हैं फिलहाल, देख रहे हैं कि अभी कौन कौन से मोहरे कहां कहां बीजेपी फिट कर रही है। अगला है हरियाणा में जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी और भाजपा के संबंध जगजाहिर है। पिछले दो महीने में कई बार भाजपा नेता कहे कि ये छोड़ दो, तुम जाओ, वो कहे हम जाएंगे, हम हराएंगे, सारा वहाँ पे साफ तस्वीरें, यहाँ तक कि खबरें छपी कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बीजेपी हरियाणा में भी अपना सकती है। हालांकि कुछ ऑथेंटिक इस पर कुछ सामने नहीं आ पाया कि जेजेपी के जननायक जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ करके बीजेपी में शामिल करवा लिया जाए, लेकिन वहां पर अंदर खाने में सिर्फ उटव्वल है दोनों पार्टियों के बीच। अंदर खाने सिर्फ उटव्वल है और बाहर जुबान से ले तेरे की दे तेरे की पूरा है। अगला, अब तमिलनाडु की तीन पार्टियां हैं इसके बाद, एआईएडीएमके जयललिता वाली, तमिल मनीला कांग्रेस और इंडिया मक्कल कलवी मुनेत्र, ये तीन पार्टियां हैं। 2019 के चुनाव में एक लोकसभा सीट मिली थी, जयललिता के निधन के बाद ये पार्टी छिन्न भिन्न हो चुकी है। कितने दावेदार हैं, कितने रसूखदार हैं, कितना जनाधार है, सब कुछ हवा में है। इन तीनों पार्टियों की हकीकत यह है। अब आप बताइए कि एनडीए का यह जो पूरा मजमा है, जिसको सिर्फ इसलिए पेश किया जा रहा है कि यूपीए के मुकाबले एनडीए ताकतवर है, यूपीए में यानी विपक्ष में बहुत दरारें हैं, कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई पानी नहीं पी रहा है, कोई रायता छोड़ के चला जा रहा है, दुनिया भर का टीवी आप देखते रहिए गोदी मीडिया को, लेकिन एनडीए में सब ठीक है, मोदी जी के छतरी के नीचे सब शांति पाठ कर रहे हैं, जबकि हकीकत उससे कहीं अलग है। इसमें 80% जो पार्टनर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं एनडीए के, 80% तो ऐसे हैं कि जो 80% जीत जाए अपने अपने हिस्से का, जो उनके हिस्से में जो भी सीटें आए तो वो कुल जमा सीटें 10 सीटें 15 सीटें हो पाएंगी, अगर जीत जाए तो 10-15 सीट होंगी टोटल, किसी पास कुल एक सीट है, कहीं पे कुल आधा सीट है, ऐसे ही मामला है। और ये दिखाने की नौबत क्यों आई? संसद में याद होगा मोदी जी ने कहा था ना, मैं अकेला ही इन 29-30 पार्टियां सब पे भारी हूं, अकेला भारी हूं। जब अकेले भारी थे तो ये मुख्तार अंसारी के बेटे वाली पार्टी, राजभर वाली पार्टी, यानी उसी से मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक अब्बास अंसारी, उस पार्टी की क्या जरूरत पड़ गई आपको? और विपक्ष की अगर बात करें तो मैं एक वीडियो में विपक्ष की ताकत बता दूंगा, उसमें सारे ऐसे छत्रप हैं जो अपने अपने राज्यों में अगर सत्ता में नहीं भी हैं तो निस्तेज नहीं हुए हैं, तेज उनका आज भी है। चुनाव जीतना या हारना अलग विषय है। तो ये आपको एनडीए की हकीकत मैंने बता दिया है। यूपीए के जितने घटक दल हैं उनकी ताकत और उनकी कमजोरी को भी लेकर के मैं एक वीडियो आप तक लाऊंगा। धन्यवाद।